सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम लेटेस्टली। हाय। अरे वाह, ज्यादा साल बाल वाल बिल्कुल सेट करके मतलब है। नहीं, मेरे कहां सेट है आपके, देखिए परफेक्ट, एवरी स्ट्रीक इज इन इट्स प्लेस एंड लुक एट माइन। एवरी स्ट्रीक हैज बीन टेकन केयर ऑफ सर, मतलब इतना ब्लर में जैसा दिखाया गया उसके बाद सब बिल्कुल साफ वाफ करके चमकते हुए जादव साहब आपके सामने बैठ गए हम। चमक तो आप रहे हो, कमाल की परफॉर्मेंस, लेकिन वो चमक की बात नहीं कर सकते, यू नो, टू बिगिन विद। राइट, तो आई वाज वंडरिंग मेरे वीडियो का टाइटल क्या होगा जनाब। है वो खूनी जो ब्लर में बहुत क्लैरिटी के साथ दिखता है एंड में, या वो क्लैरिटी नहीं दिखानी है, आप ही बताएं। यार ये तो मतलब Z5 की टीम बताएगी। ये तो Z5 की मार्केटिंग टीम ही बता सकती है क्योंकि वो एक्सपर्ट्स है इसमें। पर ग्रेट रिस्पॉन्स यार, मतलब मजे आ गए प्रथमेश, जैसा जैसा रिएक्शन आ रहा है इस कैरेक्टर को लेकर, चंदर और दीपक के कैरेक्टर को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर। एक साल से एस के सर सुनते हुए थक गया था, अभी थोड़ा सा ब्रीदर मिला है। मतलब एक और कैरेक्टर आया जिससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। जब एक्टिंग करते हैं ऑनेस्टली बताएं, ऑफ कोर्स वो ट्रांजिशन है, वो इवोल्यूशन है। जर्नलिज्म आपने पढ़ा है, रेडियो जॉकी किया है, बहुत सारी चीजें की, एक्टिंग ऑफ कोर्स वो हायर पेडेस्टल मैं मानूंगा। बट डू यू मिस बीइंग अ रेडियो जॉकी, डू यू मिस बीइंग अ जर्नलिस्ट? प्रथमेश, आई स्टिल डू रेडियो यार, मतलब मैंने रेडियो छोड़ा नहीं है। मैं जितने भी लोगों से भी बात कर रहा था, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि मेरा जो लोअर मिडिल क्लास जहाँ से मैं आता हूँ वो इतना स्ट्रांग है ना हम लोगों का, कि हमें महीने के एंड में एक सर्टेन अमाउंट चाहिए और श्योरिटी चाहिए, बाकी सब कर लेंगे हम लोग। That's me too. प्रथमेश, we all of us, हम सब लोअर मिडिल क्लास जनता जो है हमारे दिमाग में रहता है, मैं उससे बाहर नहीं निकल पाया हूँ अब तक। इनफैक्ट व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर ब्लर यार नैनीताल में, एक महीने तक हमने शूट किया, एवरी डे आई वुड शूट, टेक अ ब्रेक, फिनिश माय रेडियो शो, गो बैक टू द सेट। अभिलाष, लेट्स नॉट कॉल इट मिडिल क्लास माइंडसेट, लेट्स कॉल इट कैलकुलेटेड रिस्क। ये बोल के ना माँ बाप ने जो हमें खराब किया है। और सुनो, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लाइफ में ना रिस्क नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि हम लोग यार हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होते, मतलब वही स्ट्रगल पूरा नहीं होता है कि यूनिफॉर्म हम लोग बड़े भाई की पैंट जो है खोल खोल के पहन रहे होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आके उनकी किताबें बड़े भाई बहनों की पढ़ रहे होते हैं, तो रिस्क नाम की चीज तो हमारे पास, हम लोगों के पास नहीं है, हमें सपने देखने का रिस्क नहीं लेते। सच्ची में ये हालत है उस बंदे की जिसने आर्मी स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की है, केंद्रीय विद्यालय में स्टडी की है, भाई ₹35 की फीस होती थी या ₹5 की फीस भी दी है मैंने केवी में, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ। तो हमारा क्या होता है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्मी फौजी किट जूट से ज्यादातर APS या केवी वाले हैं, तो मैं भी APS और केवी वाला हूँ, और बहुत ही प्रथमेश बहुत मिनिमल फीस होती है यार, बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है केवी में, तो पैसे देखे नहीं लाइफ में कभी, अभी भी नहीं देखे। इसलिए रेडियो छोड़ा नहीं है, लगा हुआ मैं अभी रेडियो। यार दूसरी फिल्म है तापसी के बाद, तापसी के साथ, तो अभी तो पैसे आने चाहिए। पता नहीं यार ये मतलब प्रथमेश कैसे होता है, तुम्हें जैसे ही पता लगे ना किसी एक्टर से बात करके मुझे बताना पैसे कैसे आते हैं, क्योंकि अच्छे पार्ट्स आ रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। और मुझे लगता है रेडियो की वजह से ना वो जो पैसे वाला वो होता है ना कि आप पैसे के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो, थैंकफुली वो नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि दो वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए जो छत है वो रेडियो इज टेकिंग केयर ऑफ। तो अभी प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की मेरिट के बेसिस पर मैं हाया ना कर सकता हूँ, ये मुझे एक सहूलियत है मेरी जिंदगी में। इस प्रोजेक्ट की आपने मेरिट की बात की इसलिए वो सवाल लाजमी हो जाता है, व्हाट वाज अबाउट दिस प्रोजेक्ट दैट यू फाउंड ओके इट हैड ऑल द एलिमेंट्स फॉर यू टू यू नो डाइव स्ट्रेट इन, कुड परहैप्स जस्टिफाई द कैरेक्टर दैट परहैप्स यू वर लुकिंग टू पोर्ट्रे, क्या था इस कहानी में वैसा? I did not think of anything. It was just Tapsee's film and I wanted to be a part of it. And that's how the whole journey started. Sitting with Tapsee and Tapsee told me that, you know, Outsiders film karke hum log shuru kar rahe hain and we are shooting for our first film. So I told her ki mereko, you have seen Blur? Of course, I have reviewed it. Arre superb yaar. Mereko link bhejna, please, main padhna chahunga. So I have, I'm sorry to interrupt, but special mention for Abhilash. Arre, Prathamesh ji. ये दूर से चरण स्पर्श, स्क्रॉल करके नीचे तक जाइए, बिल्कुल मैं पूरा पढ़ूंगा। तो यार दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, शी टोल्ड मी कि आउटसाइडर्स की फिल्म है, पहली फिल्म हम लोग बना रहे हैं और इसका नाम ब्लर है, और ये सब मैंने कहा सुन यार आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो तू जैसा भी कहेगी अगर साइड में खड़ा होना है, पासिंग दे दी, मैं कुछ भी करूंगा, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उसने कहा ठीक है एक पार्ट है तो उसके लिए ऑडिशन दे दे। मैंने ऑडिशन दिया था, आपने फिल्म देखी होगी, तो जो होटल मैनेजर है उसके लिए, I shot for hotel manager's part. मेरी पूरी शूटिंग हुई एक दिन की, और उस शूटिंग के बाद
मैं वापस आ गया क्योंकि मैं दिल्ली में था, मेरी माँ की हार्ट सर्जरी होनी थी उस वक्त। तो एक दिन का शूट किया, शूट करके वापस आ गया। अगले दिन रात को 12 बजे आता है तापसी पन्नू का कॉल, और मैं वही बार बार कह रहा हूँ ये चीज कि तापसी पन्नू 10 बजे सो जाती है, जो उसके दोस्त हैं उनको पता है कि 10:01 के बाद तापसी पन्नू का अलार्म ऑफ, वो मतलब खर्राटे चल रहे हैं, फिर कुछ नहीं, अगर वो आपके सामने बैठी भी है तो सो ही रही है। अच्छा, खर्राटे मारती है तापसी? अब ये तो भाई तापसी को ही पता होगा, लेकिन सो जाती है मुझे पता है 10:01 पे। तो भाई 12 बजे जब कॉल आया, आई पिक द कॉल एंड आई वाज लाइक हाँ भाई क्या हुआ? तो बोलती है यार मैं तेरे को स्क्रिप्ट भेज रही हूँ पढ़। मैंने कहा स्क्रिप्ट का क्या करूंगा, मेरा शूट तो हो गया अब। और यूजुअली जब आप इतने छोटे पार्ट कर रहे होते तो आपको पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, आपको उस पार्ट के बारे में बताते। बिल्कुल। तो आपका भाई गया, भाई ने बिल्कुल शूट वूट किया, भाई वापस आ गया। तो जब वो कॉल आया उसने कहा कि अजय सर वॉन्ट्स यू फॉर द एंटेगनिस्ट पार्ट। एंड आई वॉज लाइक मेरी माँ की सर्जरी है अभी, मतलब ये तो इट्स अ बिग डील कि अजय बहल जैसे डायरेक्टर आपको उस लाइट में देख पा रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट। भाई मैंने उस रात में उस स्क्रिप्ट को खत्म कर दिया। एंड प्योरली बेसिस मैं जानना चाह रहा था लास्ट पॉइंट तक कि किसने मारा है। मैं पढ़ता गया खत्म की। मैंने अपनी बीवी को कॉल किया, वो मुंबई में थी उस वक्त और मेरी बहने दिल्ली में ही थी। मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार ये स्क्रिप्ट आई है बट माँ की सर्जरी है, तुम मुझे बताओ, इफ यू से नो आई खुशी खुशी से नो टू इट और मैं इस पर फोकस करूंगा। उन्होंने कहा आई वी गॉन मैड, मतलब प्लीज गो एंड शूट फॉर इट। एक महीने में वहां पर था, मेरे घर पे जो ऑल वेमेन्स टीम है इन्होंने पूरी सर्जरी संभाली है एंड दैट्स हाउ आई यू नो फिनिश द पार्ट। तो मेरा कोई मैं सोचा भी नहीं था एक्चुअली चंद्र या दीपक का पार्ट में प्ले कर पाऊंगा, इट जस्ट हैपेंड। अजय सर आई डोंट नो, अजय बैल साहब से पूछना पड़ेगा क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने मुझे पार्ट दिया। बिकॉज आई एम प्रथमेश, मैं इतना कूल लड़का हूं ना मेरे को पूरी लाइमलाइट चाहिए हर जगह, आई वॉन्ट टू बी यू नो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एवरीवेयर, दैट्स हाउ आई हैव बीन ऑल माय लाइफ। एंड नाउ सडनली यू हैव टू प्ले अ कैरेक्टर जो कि भागता है अटेंशन से, जो नहीं दिखना चाहता है लोगों को, जो आम बन के रहना चाहता है। सो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट था उस कैरेक्टर और मेरे बीच में। Abhilash, I must put this question without sounding insensitive. You were going through a certain emotion, emotional arc, so to speak, on personal front. जैसे आपने कहा surgery थी, and then you're portraying this character. बहुत सारे लोग बहुत सारी stories भी बनाते हैं कभी कभार. Right. उस emotion का मैंने यहाँ पर reservoir जैसे इस्तेमाल किया. या शायद वो सही भी हो उनके लिए. To each his own. So उस लिहाज से आपका क्या प्रोसेस था, क्या वहां से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ इमोशनल ट्रिगर आपने यूज किए टू बी एबल टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर दैट यू हैव पोर्ट्रेड? बिकॉज़ दिस कैरेक्टर इज आल्सो क्लोज टू हिज मदर सो टू स्पीक, एंड देन हिज इमोशनल अपहीवल इज सीन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज इमोशंस आल्सो स्टेम फ्रॉम द फैक्ट दैट हिज मदर इज ट्राइंग टू हाइड हिज ट्रू पर्सोना एंड हेल्पिंग हिम आउट डूइंग ऑल दोज इविल थिंग्स। सो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपने कौन सा रेफरेंस लिया पर्सनल स्पेस से? प्रथमेश बिल्कुल इस इंसिडेंट के साथ इस कैरेक्टर का कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि आई लव माय मदर और ये तो माँ को मार देता है, मतलब तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत अलग है, तो वहां से नहीं आया। लेकिन जब वो सीन आता है व्हेन आई वाज टॉकिंग टू मैम, कृतिका मैम, और वो पूरा का पूरा सीक्वेंस चल रहा था, एज एन एक्टर बहुत ही डार्क स्पेस में जाते हो आप, क्योंकि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे होते हो। अगर आप किसी कहानी का हिस्सा हैं और आपको उस कहानी में आपके बाप की मौत हो रही है, तो आप अपने बाप की मौत पर जाते हैं, आप उस चिता को याद करते हैं जब वो जल रही थी, एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड दैट्स व्हाई यू नो इमोशनली बहुत चैलेंजिंग ऐसे पार्ट्स होते हैं। आई ऑब्वियसली यू नो आई थॉट अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट आई डोंट थिंक, या इनफैक्ट ये तो ज्यादा टेंशन वाला काम था, क्योंकि मैं शूट कर रहा था, रेडियो भी कर रहा था साथ में, और मेरी पर्सनल लाइफ में ये सारी की सारी भसड़ चल रही थी। तो दिस हेल्प नहीं किया बहुत ज्यादा इस इंसिडेंट ने। हेल्प मुझे लगता है कि अजय सर के साथ जो डिस्कशंस हुए उन्होंने बहुत हेल्प किया, क्योंकि उनके बहुत प्यारे पॉइंट ऑफ व्यूज थे, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता रहा, वो कहते रहे नहीं यार मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको, यार आप डायरेक्टर हो, आप जैसे देख रहे हो वैसे ही करेंगे, एंड आई जस्ट पोर्ट्रेट, आई जस्ट डिड व्हाट आई फेल्ट। यार Honestly speaking, I stated in my review also, I hate mystery thrillers, जहाँ पर जो antagonist होता है वो बाद में कहीं ना इधर से तो आता है और reveal हो जाता है, ऐसे नहीं कि वो आपके इर्द गिर्द है और उनमें से समझ में नहीं आ रहा है और बाद में पता चलता है। But here's a film which is very simple but told very in a complex manner, in the sense that इसका texture देखिए, इसकी lighting देखिए, इसका जो माहौल, जो atmospherics create किया है, बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो उस लिहाज से जब आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी,
तो आपको ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट योर कैरेक्टर एज वेल, बट बाकी ये जो सारे एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसको आपने कैसे एनालाइज किया? मेरा फोकस एक्चुअली उन सब चीजों पर था नहीं, वो बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं और यूजुअली आई लेट माय डीओपी एंड डायरेक्टर डिसाइड कि वो उसको कैसे दिखाना चाह रहे हैं। आई थिंक सुधीर सर ने बहुत प्यारा काम किया है, जो जो अजय सर ने सोचा था सुधीर सर ने एग्जीक्यूट कर दिया है वो दुनिया दिखाने में। और आप बिल्कुल सही बोल रहे, कई लोगों ने बोला कि क्लॉस्ट्रोफोबिक था वो पूरा यू नो माहौल की कुछ हो नहीं रहा है, बंद दरवाजे हैं, बारिश हो रही है, इट्स सो डार्क, एट द सेम टाइम यू नो द कैरेक्टर आर्क्स आर सच। तो वो बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, मेरा फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस पर था, मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पर था कि उस कैरेक्टर का जो भी सच है वो दिख जाए। क्योंकि अगर आपने यार प्रथमेश वो क्रैक कर लिया ना, बाकी सब तो देख ही लेते हैं, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो साउंड रिकॉर्ड कर ही लेता है, जिसने कैमरा लगाना है वो आपके चेहरे पर या बैक पर लगाना, एवरीबॉडी इज अ प्रोफेशनल एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट एंड रिलाई ऑन दैट। मतलब मैं कभी अपने स्क्रिप्ट में एक लाइन भी अगर चेंज करता हूँ तो मैं हमेशा अपने डायरेक्टर या उनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि राइटर ने कुछ सोच के लिखा है उसको, मैंने नहीं लिखी है वो स्क्रिप्ट। और एक्टर्स तो हम वी रिलाई ऑन स्टोरीज यार, अच्छी कहानियां लिखी जाए और डायरेक्ट की जाए हम तो उन पर रिलाई करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल हाथ जोड़कर जो मुझे कहा जाता है मैं बस वो कर देता हूँ। मेरा फोकस एक ही चीज पर था कि ईमानदारी से मैं कर लूँ जो मुझे मिला है, बाकी सब संभाल लेंगे। बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं अजय सर, उनकी दो फिल्मों से पता लगता है कि किस तरह की कहानियां किस तरीके से कहते हैं वो। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट तापसी एक्सेप्शनल एक्टर है, इतनी अलग अलग तरह की कहानियां उसने की, तो आई जस्ट हैव टू यू नो फोकस ऑन माय पार्ट। यार यार बॉलीवुड के साथ ये मसला है, मतलब आपने सर प्ले किया तो आपको 10 लोग आ जाएंगे, फिर अब आपने किया है ये तो 10 लोग बोलेंगे गला काटो, राइट? इसके साथ कैसे डील करने वाले हो प्रथमेश? ये तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी भी एक्टर के लिए। पता नहीं क्यों भागते हैं लोग इस चीज से, बट मुझे लगता है कि जब मुझे कोई एसके सर बोलता है मुझे खुशी होती है यार कि किसी ने एसके कहा, या अभी रॉक्सी कह रहे हैं लोग कि अरे शराबी शराबी शराबी, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कैरेक्टर्स को के साथ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और उसकी तारीफ कर पा रहे हैं और उस लाइट में मुझे देखते हैं। अब मेरा कॉल है कि मैं अलग क्या करता हूँ, यू नो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं ऐसे पार्ट्स प्ले नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे पार्ट्स प्ले कर पाऊंगा, क्योंकि इट्स ओ बल्ले बल्ले हो जाता है गुरु हो जाता है सच में हो जाता है। ऑफ कोर्स यार आप इतना ज्यादा उन डार्क स्पेसेस के बारे में सोच रहे होते हो ना, क्योंकि आपको जो आंखों में कैमरा यार झूठ पकड़ लेता है, तभी आप इतने फिल्म्स देखते होगे, रिव्यू करते होगे, आपको पता होगा शैलो है, फेक कर रहा है, सच नहीं है। वो सच दिखाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि आप उस सिचुएशन में हैं। और यहाँ तो मतलब ये अलग लेवल का एक साइकोटिक बिहेवियर है इस कैरेक्टर का, तो ऑब्वियसली वो घूमता तो है बट अगर उस कैरेक्टर के साथ आपको कनेक्ट कर पाते हैं लोग, जो कि हम लोग जब पहला प्रीमियर तो खैर विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग थे उनके लिए और बहुत खूबसूरत ये इनिशिएटिव था Z5 का, तापसी का, प्रांजल का, विशाल का, कि उन्होंने उनके लिए पहली स्क्रीनिंग रखी। लेकिन पहली स्क्रीनिंग जो इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए थी, वहां पर जो लोग आए थे दे वर स्केयर्ड ऑफ मी, और मेरे को भी याद है दो लड़कियां आई और बोलती है कि दूर से बोलती है हाय यू आर वेरी गुड वी आर स्केयर्ड ऑफ यू, आई लुक्ड एट देम एंड आई सेड थैंक यू मैम, लाइक मैम मत बोलो प्लीज आप डर लगता है। तो इससे बड़े कॉम्प्लीमेंट तो यार कुछ हो ही नहीं सकते। और कहानियां मैं जरूर करना चाहूंगा, मैं लव स्टोरीज भी करना चाहूंगा, मैं बड़ा फनी आदमी हूँ जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं तो मैं कॉमेडी भी करना चाहूंगा, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं यहाँ पर मेन हीरो बनने बॉडी बना के वो स्पेस के लिए नहीं आया हूँ, तो मेरे लिए तो यार पूरी दुनिया खुली है, अब लोग जैसे देखना चाहें जो देखें। As you said that while shooting for this film you were also simultaneously doing your radio shows, right? But this film asked you, demanded you to delve into all those dark spaces, dive into all those dark spaces. मैं जानना चाहूंगा तब उस दौरान की रेडियो शो कैसे हुआ करते थे, मतलब वो बहुत फन बिल्कुल मजेदार टू द टी, क्योंकि सर जो पेट की भूख होती है ना वो आपसे सब कुछ करवा लेती है तो कैरेक्टर स्विच ऑफ हो जाता था। हाँ, आराम से क्योंकि व्हेन यू आर ऑन सेट तो आप सोच रहे हैं, जब आप अजय सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं और जो उस प्रोसेस में हैं आप, और मैं शूट से एक दो घंटे पहले हमेशा पहुंच जाता था ताकि वो एम्बियंस और एनवायरनमेंट, फौजी का बेटा हूँ यार तो मैं डिसिप्लिन तो बहुत हूँ, अगर आप मेरे को बोलोगे कहीं पर 2 बजे पहुंचना है मैं 1:55 पर वहां पर होऊंगा। इनफैक्ट कई बार कास्टिंग एजेंट्स जो होते हैं वो सुबह जब मुझको बुलाते हैं 9:30 बजे मैं पहुंचता हूँ और ताला लगा हुआ होता है,
बहुत सारे शूट्स हैं जहां पर कि मैं पहुंचता हूँ, मेरी वैनिटी का जो है जनरेटर नहीं शुरू हुआ था, तो वो मैं वैसा बंदा हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, तो मैं हमेशा घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे पहले पहुंच जाता था जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है एंड ऑल्सो टू कट माई सेल्फ फ्रॉम दैट जो फन रेडियो वाला लड़का है. बट बाई डिफॉल्ट आई एम लाइक दैट. तो आप अपनी जो असल में आप हैं उससे तो दूर नहीं भाग सकते. जो प्रथमेश है वो तो प्रथमेश है, चाहे वो रिव्यूज करे, वो सब उसका काम है, वो कर रहा है, बट देर इज वन पर्सनैलिटी विच यू हैव. सो दिस इज माई पर्सनैलिटी. हाँ, शूट के टाइम पर मतलब वो इजी हो जाता है फिर. एंड व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक दैट जिसको इतना क्लियरली पता है कि उसे क्या चाहिए, फिर तो बहुत सिंपल हो जाती है चीज. तापसी के बारे में बताओ यार, एज अ परफॉर्मर, एज अ दोस्त, एज अ प्रोड्यूसर. वो लड़की, जितने डायरेक्टर्स सुन रहे हैं, उसका जो फर्स्ट टेक होता है ना, वो बेस्ट टेक होता है एवरी टाइम. मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे को दो तीन टेक्स कई बार लगते हैं जैसा बोलते हैं गर्म होने में. तो दो तीन टेक्स में समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ. पर दैट गर्ल, उसका फर्स्ट टेक इज द बेस्ट टेक. इतनी सिंसेयर, एक तो अपने काम को लेकर. एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब उसको अपनी लाइंस ना बताऊं. एक भी दिन उसको नहीं, ऐसा नहीं होता है जब वो बोले यार आज है ना टायर्ड फील हो रहा है. एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि वो टाइम पर ना है. तो उसके और मेरी इसलिए पटती भी है क्योंकि पार्टी भी होती है ना प्रथमेश, कहीं किसी की पार्टी में जाना होता है, 7 बजे का टाइम होता है, 6:55 आके बैठ जाती है सबसे पहले. तो सुपर स्टार है, थोड़ा लेट आया कर यार, बोलते मेरे को नहीं पता, 7 बजे बोलते मैं आ जाती हूँ 6:55. दैट्स हाउ शी इज अ ब्यूटिफुल सोल. यारों की यार है वो, तो यार वो तो बहुत बहुत. अभिलाष, आई वांट टू ड्रॉ एन ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम यू बिकॉज़ आई हैव बीन सीइंग ऑल दीस वायरल वीडियोस ऑफ तापसी वेयर शी इज थ्रोइंग टेंटम्स, नॉट बिहेविंग विद द मीडिया और गोइंग क्रेजी समटाइम्स, एंग्री, परहैप्स क्रेजी इज नॉट द राइट वर्ड. नेवर, शी इज नेवर एंग्री, शी इज नेवर एंग्री. आर दोस थिंग्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस? ब्लोन आउट नहीं यार, मतलब किसी की. अब प्रथमेश, अगर मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं और तुम्हारे मुंह के अंदर माइक घुसाना शुरू करूं, विल यू लाइक इट? यू वुडंट. वो तो हम, और मैं तो खुद मीडिया से आता हूं, तो मुझे पता है कि हम लोग कई बार चीजों को कैसे पोर्ट्रे करते हैं और किस तरीके से दिखाते हैं और सच क्या होता है. बट आई थिंक वो स्पेस देना जरूरी है. वो पब्लिक पर्सनालिटी है और जब वो पब्लिक स्पेस में होती है, शी इज अवेलेबल फॉर यू, शी विल टॉक टू यू. लेकिन हर जगह अगर आप माइक लेकर घुस जाओगे, एक वीडियो था जिसमें उसका दरवाजा बंद नहीं करने दिया यार किसी ने गाड़ी का, अगर तुम और मैं होते तो शायद हमारा तो हाथ उठ जाता, यू नो, क्योंकि दरवाजा क्यों नहीं बंद करने दे रहा है भाई. And she was very, very, she was very, I think, cooperative and very shant and very calm, yaar, us time par. So I think, blown out of proportion, nahi, matlab, aapko private space toh dena hi padega na kisi ka. Hum sabke 3-4 spaces hote na, aap, ab itna paas aake agar koi baat karega, mic aapke muh mein ghusayega, toh aap kaise react karoge? Hamari behno ke saath koi aisa kare ya hamare saath koi aisa kare, will you like it? I don't think so. So that's how, and when she talks, तो बिल्कुल खुल के बात करती है. इतना ईमानदार एक्टर नहीं है जितनी ईमानदारी से वो बात करती है मीडिया के साथ, जितना साफ दिल के साथ वो बात करती है. एंड डिस्टिंक्शन, अतापसी एज एन एक्टर, अतापसी एज अ प्रोड्यूसर. ओह ब्रो, ये मतलब इतना टफ था और उससे मैं बार बार यही पूछता था. और वो उस बंदी की एक तो क्लैरिटी और दूसरा उस लड़की का डेडिकेशन. पहले डेडिकेशन की बात करो भाई, वो लड़की शूट करे ना अगर 12-1 बजे भी कभी, वो अपना वर्कआउट मिस नहीं करेगी. वो अपने सेकंड डे की अगर रीडिंग्स हैं जहां जाना है, वो हर जगह पहुंचेगी. इनफैक्ट जब हम लोगों ने पहली सेकंड स्क्रीनिंग मेरे ख्याल से की थी, वो डंकी के लिए शूट कर रही थी, वो फ्लाइट लेकर आई है, 3-4 फ्लाइट्स बदलते हुए यहां तक आई है, पता नहीं कितने घंटे से वो सोई नहीं है, एंड शी वॉज देयर बिफोर टाइम. नो दैट्स द काइंड ऑफ डेडिकेशन शी हैज व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर या एक्टर. एक्टिंग को तो मतलब पूरा दुनिया मान चुकी है, मैं क्या कहूँ कि कितनी कमाल की एक्टर है. जिस तरह की कहानियां वो चूज करती है, जिस तरह की, चाहे वो पिंक से लेकर अब तक जितनी भी कहानियां उसने कही है, थप्पड़ हो या फिर मुल्क हो, उफ बहुत प्यारी कहानियां, बहुत कमाल की. दोबारा हो. प्रोड्यूसर जब इस प्रोजेक्ट पे एज अ प्रोड्यूसर थी, एक दिन भी वो प्रोड्यूसर नहीं थी, वो एक्टर थी. और वो बड़ा कमाल था कि एज अ प्रोड्यूसर आपके पास पावर होती है ना, आप डिसाइड करते हो कि क्या होगा. लेकिन उस वो लड़की उस वक्त भी टाइम पर थी, वो उस लड़की वो उस वक्त भी अपना अपने काम पर फोकस कर रही थी. एक दिन भी उसने किसी को ये नहीं फील होने दिया प्रोड्यूसर. तो वो बड़ी प्यारी चीज है उसके अंदर. मोर फिल्म्स विद तापसी ऑफकोर्स, वाई नॉट. मतलब मैं फिर से कहूंगा कि मेरे लिए कभी ये मैटर नहीं करेगा कि मेरा पार्ट कितना बड़ा है. मैं एक दिन का शूट करने गया था,
तापसी पन्नू के साथ उसकी पहली फिल्म के लिए, और वो प्यार वो रिस्पेक्ट उसके लिए वही रहेगा। फिर से मैं एक एक दिन का पार्ट उसके साथ प्ले करना चाहूंगा और फिर एक बड़ा सा पार्ट लेके वापस आ जाऊंगा। एंड अदर पीपल लॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यार, आई एम वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल डायरेक्टर्स। नवदीप सिंह जिन्होंने एनएसटेन बनाई थी उनके साथ में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ कल ही एक प्रोजेक्ट मेरा रिलीज हुआ है। अजय बहल के साथ मैं काम कर चुका हूँ। अभी अमित शर्मा के साथ मैदान में देखने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल, मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स जिनके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ अभी, उनके साथ एक फिल्म शूट कर चुका हूँ। तो ऑफकोर्स बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत कुछ करना है प्रथमेश, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी अलग अलग पार्ट प्ले करते रहने, अच्छे डायरेक्टर्स अच्छे स्टोरी टेलर्स के साथ। तो अभी लग जाते जाते मुझे सिर्फ ये कहते जाओ इसका हेडलाइन में क्या रखूं। इस मैं बताया ना Z5 मार्केटिंग वो बताएंगे बेस्ट। इट्स गोइंग टू बी अ बिग रिवील इन द हेडलाइन फॉर श्योर, आई कैन नॉट रेजिस्ट दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। थैंक यू जादव साहब, थैंक यू सो मच।